बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज फ्राइडे है और मैं आप लोगों के साथ फ्राइडे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। इस टाइम मैं जो है ना कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ और जो है ना घर के मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। और मेरी आदत होती है कि जुमे वाले दिन जो मेरे मेन काम होते हैं वो मैं लाजमी जुमे वाले दिन करती होती हूँ। उसमें सबसे पहला जो काम है वो यही है कि मैं जो है ना सुबह नमाज के बाद सोती नहीं हूँ और अर्ली मॉर्निंग सफाइयाँ स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जो है ना जुमे वाले दिन जल्दी बंदा जो है ना फारिग हो जाए कामों से और ज़्यादा से ज़्यादा बंदा इबादत को टाइम दे सके। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के जो मैंने सबसे पहले काम किए वो मैंने सफाइयाँ की हैं। जईद की नाइट थी और वो जो है ना ड्यूटी से लेट आए थे, तो उस वजह से जो है ना उससे फ़ायदा उठाते हुए मैंने ऐसे किया कि मैंने पूरे घर की जो है ना क्लिनिंग की। और क्लिनिंग में जो होता है ना जुमे वाले दिन मेरा जो मेन काम होता है वो बेडशीटें चेंज करना होता है। और इस वक्त मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बस शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ टिंडे और आलू बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी सब्ज़ी बनाना चाहिए। और आप लोग देखेंगे कि मैं कितनी जो है ना सिंपल तरीके से सब्ज़ियाँ बनाती होती हूँ। मेरी सब्ज़ियाँ पकाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ताकि जो है ना इसकी जो गज़ाइत है वो ज़ाया ना हो और सारी की सारी गज़ाइत इसके अंदर हो और मज़े की भी बने। ये नहीं कि सारी गज़ाइत होने के बाद कि मज़े की ना हो, मज़ा जो होता है वो तो लाजमी होता है। चीज़ मज़े की ना हो ना तो जो है ना वो फिर खाई नहीं जाती। इसलिए जो चीज़ भी बनाएं उसे मेहनत से बनाएं और मज़ेदार करके बनाएं, ताकि जो है ना खाने वाला जो है ना उंगलियां चाटता रह जाए। तो जैसे मैं आप लोग सब जुमे की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं जुमे को क्या रूटीन होती है, तो मेरी रूटीन ये होती है कि मैं जो है ना बाकी सब कामों की तरह जो है ना बेडशीटें भी घर की लाजमी चेंज करती हूँ। क्लीनिंग के बाद जो सबसे पहला मेरा काम था वो कपड़े प्रेसिंग का था, क्योंकि जो है ना मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने अच्छा सा सूट निकाला और उसको प्रेस किया। वैसे तो मैं कपड़े रोज़ जो है ना चेंज करती होती हूँ, क्योंकि मेरा कहना ये है कि जब हम घर से काम शाम से फारे हों तो जो सबसे पहला काम करें वो यही करें कि घर पहनने वालों में से कपड़ों में से कोई भी सूट निकाल के उसको प्रेस करके और उसको जो है ना नहा धो के पहन लें और अच्छी सी हल्की सी लिपस्टिक लगा लें और अपने आप को हर टाइम जो है ना साफ़ सुथरा रखे। इसी से जो है ना बंदा अच्छा भी लगता है और बंदा ख़ुद अच्छा फील भी करता है। ये जो चीज़ होती है ये इंसान अपने लिए करता होता है, लेकिन ये कि जुमे वाले दिन जो होता है ना वो मैं करती होती हूँ कि रूटीन से हट के कपड़े निकालती होती हूँ। जो मेरे आने जाने वाले कपड़े होते हैं उनमें से एक सूट निकाल के मैं जुमे वाले दिन जो है ना अपने लिए भी प्रेस करती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी प्रेस करती हूँ। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो मैं जुमे वाले दिन लाजमी करती होती हूँ। आम तस्वियों के अलावा जो है ना जो जुमे वाले दिन मेरा मेन काम होता है कि मैं जल्दी काम से फारिग हो जाऊँ और जुमे की नमाज़ से पहले पहले फारिग हो जाऊँ, ताकि जो है ना मैं जुमे की नमाज़ से पहले सलात व तस्बीह पढ़ूँ। सलात व तस्बीह मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है।
जब मैं जो है ना, मुझे जब भी कोई मसला आता होता था, मैं जो है ना सलात व तस्बीह पढ़ती होती थी और मेरे वो मसले इस तरह हल हो जाते थे कि मुझे ख़ुद भी उनका पता नहीं चलता था कि ये मेरे मसले कैसे हल हो गए हैं। तो इसलिए जो है ना, जो सलात व तस्बीह है वो मैं लाजमी हर जुमे को पढ़ती होती थी। अब पढ़ती थी का मतलब ये है कि मैं जो है ना, काफ़ी अर्सा मैंने जो है ना इस चीज़ों में मेरे बहुत गैप आया है, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे जो है ना डिस्टर्ब थी और जो है ना कुछ साल जो थे वो मेरे बहुत अजीब गुजरे हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये चीज़ें मुझसे रह गई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो मैं फिर इस चीज़ों की तरफ लौट आई हूँ, क्योंकि जो है ना, जो सुकून इबादत में है वो सुकून किस चीज़ में भी नहीं है। मैंने बहुत सोचा कि मैं ये कर लूँगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, मैं ये करूँ मेरे दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। तो जुमे वाले दिन जो है ना, आप लोगों को चाहिए कि आम ज़िंदगी में तो हम लोग बहुत बिज़ी होते हैं, लेकिन जुमे को लाजमी कोशिश किया करें कि सलात व तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। सलात व तस्बीह हो गई और नमाज चाश, ये आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में इतनी सुकून होगा और ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप जो काम करेंगे, जिस हाथ काम में हाथ डालेंगे, उसमें आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा होंगी। ये मेरा ख़ुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं जो है ना शादी से पहले मुझे जो भी काम होता था, जो मुश्किल आती थी, तो मैं जो है ना ये दो नमाज़ें लाजमी पढ़ती होती थी। चाश नमाज तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी है। चाश नमाज के साथ मेरी रूटीन होती थी कि मैं कज़ा नमाज़ें जो थी वो अदा करती होती थी, और मैं जो थी कज़ा नमाज़ें, मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरी कब कज़ा हुई हैं, क्योंकि जो है ना मैं अंदाजे से जो थी होती थी नमाज चाश के साथ जो है ना डेली ऐसी जो है ना नमाज़ें शामिल कर लेती थी कि जो मुझसे कज़ा हुई हैं। तो कभी मैं सुबह की नमाज़ें पढ़ लेती थी, कभी मैं जो है ना ज़ोर की पढ़ लेती थी, और कभी मगरिब की पढ़ लेती थी, और इस तरह जो है ना मैं नमाज़ें लाजमी जो है ना कज़ा पढ़ती होती थी। लेकिन ये कि कुछ अर्सा मैंने ये छोड़ दी थी, और मैं भी जो है ना अब दोबारा इनका आगाज़ करूँगी, और आप सब लोगों ने मिल के मेरे साथ इन नमाज़ों का आगाज़ करना है। ये देखिए मैंने कितने सिंपल और आसान तरीके से टिंडे आलू बनाए हैं, और ये बने भी बहुत मज़े के थे। मेरे और ज़हीद ने खूब इनको एंजॉय करके खाया। सब्ज़ियों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसी जो है ना आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी वीडियो ले कर हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।